Hello everybody, welcome to my YouTube channel, May I Help You. In this video, we will see how to play Sudoku. आप सब लोगों ने ये गेम देखा तो होगा, but जिन लोगों को ये गेम खेलना नहीं आता है, आज हम देखेंगे कि एक्चुअली में ये गेम खेलते कैसे है। देखो, देखने में ये गेम बहुत सिंपल लगता है, जैसे ठीक है, क्या है इस गेम में, कुछ खाली डब्बे हैं, कुछ डब्बों में नंबर भरे हुए हैं, बाकी डब्बों में नंबर भरने हैं, ये गेम है। बट जितना सिंपल ये लगता है उतना सिंपल ये है नहीं। जब आप इसे खेलने बैठेंगे आप कहीं ना कहीं फंस जाएंगे अगर आप इसको नहीं खेलते हैं तो। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि इसे खेलने का सही तरीका क्या है। जैसे हम उस तरीके को फॉलो करेंगे हमें ये खेल अच्छी तरीके से आ जाएगा और हम इसको बिना मिस्टेक के एक ही बारी में सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि आखिर में बात आती है टाइम की। टाइम किसके पास है, टाइम ही तो नहीं है। तो जल्दी से जल्दी फटाफट कैसे सुडोकू को सॉल्व करना है आइए देखते हैं। मैंने इसमें सिर्फ तीन रूल लिखे हैं। मैंने स्टार्ट करा है सबसे छोटे वाले सुडोकू से, 4x4 का सुडोकू। इसमें सिर्फ चार नंबर लेते हैं, 1, 2, 3, 4, ठीक है, 1 से लेके 4 तक नंबर होंगे इसमें। इसे कहते हैं 4x4 सुडोकू। तीन रूल याद रखना, तीन रूल लिए मैंने इसमें, बस तीन रूल। क्या क्या है, नो रिपीटिशन ऑफ नंबर इन अ रो, मतलब एक जो रो है आपकी उसमें कोई भी नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए। ये आपकी रो है, चार रो है आपकी, इस रो में कोई भी नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ चार आ चुका है तो अब यहाँ पर कहीं पर भी चार नहीं आएगा। अगर मैं यहाँ पर एक लिख दूँ तो अब यहाँ पर दोबारा एक नहीं आ सकता, यहाँ दो लिख दूँ तो अब दो नहीं आएगा, अब तीन ही आएगा। ठीक है, इस तरीके से कोई भी नंबर रो में रिपीट नहीं करना है। क्या करना है, नहीं करना। दूसरा नियम, नो रिपीटिशन इन एनी कॉलम, इन अ कॉलम, मतलब अब कॉलम की बात कर लेते हैं। चार कॉलम है हमारे पास, चार ही रो हैं, चार ही कॉलम है, 4x4 का सुडोकू है, सबसे आसान वाला। किसी भी कॉलम में नंबर रिपीट नहीं होने चाहिए। अगर यहाँ पर चार है, यहाँ दो है, तो यहाँ पर तीन आ सकता है और एक आ सकता है, या यहाँ पर तीन आ सकता है, यहाँ पर एक आ सकता है, बस और भी नंबर रिपीट नहीं होगा। तीसरा नियम है नो रिपीटेशन इन अ बॉक्स। भाई बॉक्स तो सारे ही हैं, कौन से बॉक्स की बात हो रही है, यहां पर चार बॉक्स और हैं। बॉक्स नंबर एक, ये रहा एक बॉक्स, ये रहा दूसरा बॉक्स, चार चार का, ये रहा तीसरा बॉक्स, ये रहा चौथा बॉक्स, ये है हमारे चार बॉक्सेस। इनमें भी कोई रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। मिसाल के तौर पे दो है यहाँ, तीन है इस पूरे बॉक्स में, अब दो और तीन नहीं आएगा, ना यहाँ पर दो आएगा, ना यहाँ पर दो आएगा, ना यहाँ तीन आएगा, ना यहाँ तीन आएगा, यहाँ पर एक आ सकता है, ये चार आ सकता है, चार आ सकता है, ये एक आ सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये है आपके तीन नियम। मुझे उम्मीद है आपको ये तीनों नियम समझ में आ गए होंगे। कोई भी नंबर रिपीट नहीं होगा रोज में, कोई भी नंबर रिपीट नहीं होगा कॉलम्स में, और कोई भी नंबर रिपीट नहीं होगा बॉक्सेस में। तो अब हम शुरू करते हैं अपना सुडोकू सॉल्व करना। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है सुडोकू शुरू कहाँ से करें, यहाँ से करें, यहाँ से करें, पहला नंबर यहाँ लिखूँ, कहाँ लिखूँ। उसकी ट्रिक यह है, सबसे पहले वो चीज़ सॉल्व करो जहाँ पर ऑलरेडी सबसे ज़्यादा नंबर्स गिवन हो पहले से। ठीक है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा नंबर्स कहाँ गिवन है, यहाँ दो हैं, यहाँ भी दो है, सॉरी यहाँ तो एक ही है, तो एक ही है, तो
तो यहाँ से शुरू करते हैं क्योंकि यहाँ पर पास पास तीन नंबर दे रखे हैं, यहाँ से भी शुरू कर सकते हैं आप, बट चलो यहाँ से करते हैं शुरू। ठीक है, बात करते हैं इस बॉक्स की और इस कॉलम की। इस बॉक्स में दो पहले से ही है, तीन पहले से ही है, एक आ सकता है और चार आ सकता है इस बॉक्स में, पर चार यहां पर भी है, यानी कि इस कॉलम में चार नहीं आ सकता क्योंकि यहां पर है ऑलरेडी, यहां पर चार नहीं आएगा। चार नहीं आएगा तो क्या आएगा? दो भी नहीं आ सकता, तीन भी नहीं आ सकता, चार भी नहीं आ सकता, क्या आएगा? एक आएगा। ठीक है, एक यहां पर आएगा क्योंकि वो ना यहां पर है ना यहां पर है अभी तक। अब इस बॉक्स को पूरा कर लेते हैं, एक भी है, दो भी है, तीन भी है, इस पूरे बॉक्स में क्या बचा? चार यहां पर आ नहीं जा रहा, एक बॉक्स हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब जैसे जैसे हम सॉल्व करते जाएंगे हमें चेन मिलती जाएगी, एक चेन की तरह बन जाती है, ये सॉल्व करो तो ये मिल जाएगा, यहां भरेंगे तो यहां बन जाएगा। इस तरह जैसे आपने कभी कोई गेम खेला हो डॉट्स वाला बच्चों के साथ अपनी क्लास में, ये आप जैसे जैसे बनाते रहते थे ये बन जाता था, है ना? सेम तरीका हम यहां बनाते हैं, जैसे जैसे हम इसे भरते रहेंगे हमारा आगे वाला भी हमें मिलता रहता है। एक दो तीन, एक खाली है तो ये भर सकते हैं पहले, दो भी है, एक दो भी है, एक भी है, चार भी है, क्या बचा? तीन, तीन मिल गया यहां पर, ये पूरी भर गई, ये पूरा भर गया, इन दोनों को भी देख लेते हैं, यहां पर एक आ सकता है या दो आ सकता है। अब कहां पर एक आए और कहां पर दो आए? देखो तो यहां पर दो नहीं आ सकता, यहां पर दो नहीं आ सकता, क्यों? क्योंकि दो यहां पर ऑलरेडी है, इस रो में दो है, यहां पर दो दोबारा नहीं आएगा, तो यहां आएगा एक, और एक आ गया, तीन आ गया, चार आ गया, क्या बचा? इस बॉक्स में बचा दो। समझ में आ रहा? ठीक है, पहले ये वाला बॉक्स सॉल्व करा हमने, इसकी मदद से ये वाला बॉक्स सॉल्व करा हमने, अब इसकी मदद से ये वाला बॉक्स सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक दो तीन, तीन है यहाँ पे, चौथा निकालना है, फिर इन द ब्लैंक्स, एक दो तीन, एक भी है, दो भी है, चार भी है, क्या बचा? तीन, तीन दो चार, क्या बचा? एक। हो गया ना सारा? जैसे जैसे सॉल्व करते रहेंगे आसान होता रहेगा। अब देखो ये वाला बॉक्स भी कंप्लीट हो गया, चौथे बॉक्स पे आ जाओ, एक दो तीन, यहाँ पर तीन नंबर है, चौथा नंबर चाहिए, क्या क्या नहीं है यहाँ पे? दो भी है, तीन भी है, चार भी है, एक नहीं है, बचता है ये दोनों बॉक्सेस, आखिरी कड़ी, इसको भी कर दो जल्दी से सॉल्व। एक है, दो है, तीन और चार चाहिए, पर चार कहाँ और तीन कहाँ? इस रो में तीन है यानी कि यहां पर तीन नहीं आएगा, यहां आ गया चार, और एक दो चार, यहां पर क्या आ गया? तीन, चौथा बॉक्स भी कंप्लीट, हमारा सुडोकू हो गया सॉल्व। तो ये जो है कि सबसे आसान सुडोकू है, सॉल्व करने का यही तरीका है, बॉक्स रो कॉलम तीनों का समीकरण, तीनों का कॉम्बिनेशन बना के हमें एक सुडोकू सॉल्व करना है। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, ट्राई करो, इंटरनेट पर बहुत सारे सुडोकू अवेलेबल है, एप्लीकेशंस हैं एंड्रॉयड में सुडोकू सॉल्व करने की, तो शुरू हो जाओ। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।